An FIR under section 144 has been filed under against Miss Mufti, Miss Mehbooba Mufti. और ये आप जानते हैं, महबूबा जी ने परसों 25 को पोलिंग डे पे जब अनंतनाग में वोटिंग हो रही थी, अनंतनाग कुलगाम राजौरी पुंछ सीट पे, तो उनने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट धरना किया आउटसाइड द बिजबिहारा पुलिस स्टेशन. कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करना थोड़ा जरूरी है. 24 की रात को ही हमें कॉल्स आने लगे, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, यंग लड़के पीडीपी के, अनंतनाग कुलगाम से, जैसे नजमू साकिब है, आदिल डुकरू हैं, जुनैद हैं, अश्मुकाम से, बहुत सारे, अराउंड हंड्रेड ऑफ देम, पोलिंग एजेंट्स एज वेल. पुलिस जाके जैसे 90s में जिप्सीज में जाती थी और लोगों को अगवा करती थी, किडनैप करती थी, वैसे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स को, एजेंट्स हैं, पुलिस वेंट एंड दे पिक देम अप, बिस्तरे से उनको उठाया और थ्रेटन किया कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आओ, आप थाने आओ. ऑल दिस हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 24th, लगभग 10-12 घंटे पोलिंग से पहले. एट द सेम टाइम क्या हुआ, रात में कैसो स्टार्ट हो गया, बच्ची में कैसो हुआ, दक्षिणीपुरा में कैसो हुआ. और ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है कि कैसो आर्मी ने उन जगहों किया जहां पे पीडीपी के ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां एजेंसीज, यहां की जो लोकल है, सीआईडी हो, कोई और हो, वो अच्छी तरह से जानती है साउथ कश्मीर में पीडीपी के बैस्टियन स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ कहाँ है, जहां हमारे वोटर निकलते. तो रात में दो चीजें यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की. सबसे पहली चीज, पीडीपी के जो वर्कर्स हैं उनको अगवा किया और ये बोला गया हमें अगले दिन कि ये OGW हैं. आप प्लीज मुझे बताइए, हाउ डेयर यू स्लैंडर आर बॉयज, आर पीडीपी वर्कर्स, दीज यंग बॉयज, दे आर द वंस हु हैव हेल्ड द इंडियन फ्लैग, दे हैव केप्ट द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी फ्लाइंग इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन पीपल फाइंड देमसेल्व्स सो डिस्पोंडेंट एंड द लेवल ऑफ एलियनेशन, द गैप हैज इंक्रीज्ड बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विज़वी द रेस्ट ऑफ इंडिया. हाउ डेयर यू टर्म आर बॉयज एज OGWs. रात में ही हमने स्टार्ट किया. जो DIG साहब हैं, सब लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स हैं, महबूबा जी ट्राइड रीचिंग आउट टू देम पर्सनली. आपने देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो डाला ट्विटर पे, हमें कोई रिस्पांस नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन से. तो ये पकड़ धक्कड़ स्टार्ट हो गई. दो चीजें इनने की, पीडीपी के वर्कर्स को उठाया, और आप जानते हैं वर्कर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मोबिलाइज वोटर्स, क्योंकि यही जो हमारे लड़के होते हैं, वोटर्स को इनकरेज करते हैं, मोबिलाइज कराते हैं. एंड लोगों में साउथ कश्मीर में जहां जहां पीडीपी का ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड था, वहां लोगों के दिलों में दहशत करने की कोशिश की ताकि ये वोट नहीं डालें. और आप खुद देखिए जो पोलिंग परसेंटेज रही साउथ कश्मीर की, जो हम एक्सपेक्ट करते थे उतना नहीं थी, उसको जानबूझ के जो मरकजी सरकार है इन कहूट विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उस परसेंटेज को नीचे लाया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोग महबूबा जी को ही वोट डालना चाहते थे. तो ये जो सारी ये FIR रजिस्टर हुई भी है, आप मुझे बताइए, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, अगर एक फॉर्मर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इज हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑन द डे ऑफ पोलिंग और वो कहती है कि आपने मेरे वर्कर्स को क्यों अरेस्ट किया है, मेरे पोलिंग एजेंट्स को क्यों अरेस्ट किया है, तो क्या है वो एंटी नेशनल है? इज दिस सेडिशन कि आप उनके अगेंस्ट ये FIR करते हैं? एंड हाउ डेयर यू pontificate about the MCC to us? What have you been doing? 12 घंटे वोटिंग से पहले आप हमारे वर्कर्स को उठाते हैं, आप हमारे पोलिंग एजेंट्स को हरास करते हैं, इज दैट नॉट वायलेशन ऑफ MCC? एंड आई वॉन्ट टू आस्क द होम मिनिस्टर, आई वॉन्ट टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर, दैट ऑन वन हैंड यू अपलॉड द पीपल ऑफ साउथ कश्मीर अनंतनाग, यू से कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने यहाँ की वोटिंग परसेंटेज को लो करने की कोशिश की. जैसे आपने पुलवामा में यू प्लेड मिस्चिफ, आपने हमारे वहां भी वर्कर्स को उठाया, पोलिंग एजेंट्स को उठाया, क्योंकि आप जानते हैं पीडीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन से हैं, उनको आपने सिलेक्टिवली टारगेट किया. तो आज आपको यहां बुलाने का यही मकसद था कि ये जो FIR लॉन्च की है, दिस इज इंटिमिडेशन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन. पीडीपी, आर प्रेजिडेंट मिस महबूबा मुफ्ती नोज द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इन जम्मू एंड कश्मीर. आप एक कीमत चुकाते हैं, वो कीमत हम 2019 से चुकाते आए हैं और हम चुकाते रहेंगे. और हमारे जो वर्कर्स हैं, यंग लड़के हैं, हमारे जो बुजुर्ग वर्कर्स हैं, लीडरान हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ दैट हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे. वी आर हियर टू स्पीक द ट्रूथ. हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और हम देते आएंगे. एंड मेरा मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि यू डेयर नॉट टच आवर बॉयज. दे आर नॉट ओवरग्राउंड वर्कर्स. They come from good families. They have worked. आप लोग यहाँ जमहूरियत का जनाजा निकालना चाहते हैं और हर गिज
किसी भी सूरत हाल में हम आपको यहाँ जमहूरियत का जनाजा नहीं निकालने देंगे। जी बताइए, हमारे पास चारा क्या था? हमारे वर्कर्स को उठाया गया रात में, गुंडों की तरह जेके पुलिस गई, जिप्सी में भर भर के उनको बिस्तरे से निकाला। आप मुझे बताइए, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स, योर रोड, योर फंडामेंटल राइट टू वोट, आपका बेसिक राइट है जमहूरियत में, जब वो हमसे छीना गया, महबूबा जी ने कुछ शोर नहीं मचाया। आप उस प्रोटेस्ट में थे, कुछ गंदे नारे लगाए, एंटी नेशनल नारे लगाए। क्या बोला उनने कि मुझे बताइए इन लड़कों को आपने यहाँ क्यों रखा है, इनको रिहा करिए। और आपने खुद देखा वहां पुलिस कैसे उनके ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ रही थी, दे वांट इवन लेटिंग हर टॉक। महबूबा जी का कोई ये इंटेंशन नहीं था कि वो वहां सीन क्रिएट करे, उनको अंदर तक नहीं जाने दिया। शी वांटेड टू गो मीट आवर वर्कर्स बिकॉज दीज यंग बॉयज, इनको रात के 10:30 ले गए। हमें डर लगा कि खुदा ना खास्ता इनके साथ कुछ अनटूवर्ड ना हो जाए। तो आप मुझे बताइए, जब एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को शी हैज टू हिट द स्ट्रीट्स, उनको ऐसे धरना करना पड़ता है, व्हाट इज दैट से अबाउट डेमोक्रेसी? ये लोग तो कहते हैं यहाँ नॉर्मल सी है, अचानक से आप कैसो कर रहे हैं, आर्मी को ले रहे हैं, वोटर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं, कैसो किया आपने दक्षिणीपुरा में, स्टोन पेल्टिंग कराई बच्ची में, लेकिन आप तो यहाँ कहते हैं सब चंगा सी, यहाँ तो नॉर्मल सी है। तो अचानक, एंड प्लीज कीप इन माइंड कि साउथ कश्मीर का इलेक्शन ये टैसिटली रिग करना चाहते हैं, और इनने बहुत कोशिश की कि ये यहाँ बॉयकॉट तो करें और ये टैसिटली रिग भी करें। इनने देखा पीडीपी के कौन से स्ट्रांग होल्ड हैं, एंड वहाँ डिलिबरेटली इन्हें वोटर टर्नआउट कम किया। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं यहाँ पे किसी भी जमात में कीचड़ उछालने नहीं आई हूँ। सबके अपने ओपिनियंस हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। अभी यहाँ आपको बुलाने का ये मकसद था टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनने टैसिकली ये इलेक्शन रिग करना चाहा साउथ कश्मीर का, जानबूझ के यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि वो महबूबा जी से डरते हैं, वो कायर हैं, वो बुजदिल हैं। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो जितना हम एक्सपेक्ट करे थे उतना नहीं हुआ, बट स्टिल लोगों को हमने समझाया। जैसे आपने देखा 25 के दिन मैं बूथ टू बूथ गई, और थैंक गॉड द टर्नआउट वाज स्टिल ओके, बट वी एक्सपेक्टेड अ बेटर टर्नआउट, एंड टर्नआउट इससे भी ज्यादा होता अगर इनने दहशत नहीं फैलाई होती।